लगता है श्रीमान राहुल गांधी जी अगर यूपीए के कार्यकाल को देखेंगे तो 2013-14 में भी जब वो सत्ता से जा रहे थे तब भी 13% महंगाई दर थी, 13%। आज दुनिया के कई हिस्सों में जंग छिड़ी है, उसके बावजूद जहां पश्चिम देशों में महंगाई दर बहुत बढ़ गई उसकी तुलना में महंगाई दर बहुत नियंत्रण में भारत में है। मोदी सरकार ने हर वो कदम उठाए कि गरीब की थाली अनाज से भरी रहे, ना अनाज की कमी आने दी, ना मुफ्त इलाज की। पक्के मकान भी दिए तो शौचालय से लेके बिजली और रसोई गैस के सिलेंडर भी दिए। ये मोदी सरकार ने किया, जहां 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 43 करोड़ मुद्रा लोन देकर अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर दिया और अब आगे उसकी राशि को दुगना करने का काम, यानी कि 20 लाख रुपया 10 लाख वाले को 20 लाख कर देंगे, मोदी सरकार ने तय किया है। और यही नहीं, हमने इसके अलावा पिछले 6 सालों में 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन की। इससे पता चलता है फॉर्मल इकोनॉमी में भी रोजगार के बड़े अवसर बढ़े हैं। पिछले 1 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी सीधा फॉर्मल सेक्टर में मिली, तो उतने इनफॉर्मल सेक्टर में मिली होगी। इसी तरह से ही हमारा स्टार्टअप कांग्रेस के समय कहीं नहीं था दुनिया में, सिर्फ 500 कंपनीज थी, आज 1,20,000 स्टार्टअप और दुनिया में तीसरा स्थान भारत का है। श्रीमान राहुल गांधी जी, अगर आपकी सरकार होती तो ना मंगलयान मिशन सफल होता कभी, ना चंद्रयान मिशन सफल होता, ना ही आप कभी गगनयान के बारे में सोचते, क्योंकि कांग्रेस तो वो सोचती जो विदेशी ताकतें देश के बारे में सोचती हैं। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स को भारत से खत्म कर दिया जाए। ये कैसी सोच है अपने ही देश को कमजोर करने की? राहुल गांधी जी का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा भारत को कमजोर करने का क्यों है? ये किन विदेशी ताकतों के हाथ में फिर खेल रहे हैं? यूं क्यों भारत की सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने अपने 10 साल में तो कमजोर किया ही, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिया, ना लेटेस्ट हथियार दिए, और अब विपक्ष में रहकर भी ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ दिखता है।